फाइनली दोस्तों कन्नाड़ा सिनेमा की 100 करोड़ी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 आज अपने 19वें दिन सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से राज करती हुई नजर आ रही है और फिर से शानदार कमाई करते हुए बॉलीवुड की तो इस हफ्ते रिलीज होने वाली सभी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के 19 की रॉकिंग स्टार यश और सुपरस्टार संजय दत्त के डाहट फैन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जो कि मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई थी। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर से रॉकी भाई के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। उनका स्वैग, उनका स्टाइल, उनका एक्शन ऑडियंस को काफी पसंद आया है। बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त इस फिल्म में विलन अधीरा के कैरेक्टर में नजर आए हैं। उनके भी लुक्स और उनका स्टाइल इस फिल्म में काफी शानदार है और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन अपना बजट रिकवर कर लिया था और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। अपने शुरुआती 4 दिनों में दोस्तों 546 करोड़ की कमाई के साथ ये फिल्म कन्नाड़ा सिनेमा की सबसे बड़ी ग्रोसर फिल्म बन गई और हिंदी में इस फिल्म ने बाहुबली और RRR जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बताते चले दोस्तों आपको कि अपने एक हफ्ते में इस फिल्म ने दुनिया भर से तो 750 करोड़ रुपए की कमाई की लेकिन दोस्तों इंडिया से इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो अपने पहले ही हफ्ते में 650 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। अपने दूसरे हफ्ते दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 997 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी जिसमें दोस्तों इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो ग्रॉस कलेक्शन था वो 850 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। वहीं दोस्तों ये इस फिल्म का तीसरा हफ्ता चल रहा है जहां पर इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी शानदार आ रहे हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया ग्रॉस से अब तक 435 करोड़ रुपए की हिंदी में कमाई कर ली है जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। हिंदी ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने 435 करोड़ रुपए सिर्फ अपने शुरुआती 18 दिनों तक कमा लिए थे। आज ये फिल्म अपने 19वें दिन हिंदी ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से 5 करोड़ रुपए तक की कमाई कर रही है जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हिंदी में 440 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा को मिलाकर यह फिल्म ऑल इंडिया ग्रॉस से 450 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है जिससे कि इस फिल्म ने ऑल इंडिया ग्रॉस पर 890 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल RRR के इंडिया के कलेक्शन को पीछे कर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग 180 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 19वें दिन 1060 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर रही है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 19वें दिन 1,30,00,000 रुपए की एडवांस हासिल की थी और आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी को देखते हुए ये फिल्म 5 करोड़ रुपए के आंकड़े को एक बार फिर से टच करती हुई नजर आ रही है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में इस फिल्म का आज का जो कलेक्शन है वो लगभग 4.5 करोड़ रुपए का आ रहा है जिससे कि इस फिल्म का टोटल आज 10 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर रहा है। यानी कि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ चैप्टर आज 10 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर रहा है। यानी कि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आज केजीएफ चैप्टर 2 1,065 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी। इस हफ्ते के खत्म होते होते दोस्तों ये फिल्म 1100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी होगी और जल्द ही दोस्तों ये फिल्म RRR को पीछे करते हुए इंडियन बॉक्स ऑफिस की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी होगी। हिंदी में दोस्तों आज इस फिल्म की जो कलेक्शन निकल कर आ रहे हैं उसके बाद ये फिल्म हिंदी में 375 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। कल या परसों में दोस्तों ये फिल्म दंगल को पीछे करके हिंदी की भी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी होगी। आपको दोस्तों क्या लगता है केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी में कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी, 400 करोड़, 450 करोड़ या फिर 500 करोड़ की? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी